What's up guys, Sanjot Keer here and we are back with BB Now Presents Chef It Up Season 2. And today in the first episode, I am with one of India's finest actors. She's conquered television, films, reality shows, OTT and the list goes on. The one and only Karishma Tanna. Hi. Hello. How are you, Sanjot? I'm good. How are you? Very, very good. Thank you. Welcome to the YFL Kitchen. Yay. I'm very excited, Sanjot, actually. This is a very fun show. Hanvik. And by the end of this episode, one lucky viewer is going to get a chance to win a giveaway worth 25,000 rupees. Wow. Exciting? Yes, very exciting. So guys, watch this episode till the end. Karishma, are you ready to chef it up? I actually love cooking, so I am ready. Let's do this. करिश्मा, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले सारे इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करने जो मैं हमेशा बीबी नाव से ऑर्डर करता हूँ. बिग बास्केट हैज एन इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस कॉल्ड बीबी नाव और ये बस 15 से 30 मिनट में इंस्टेंट डिलीवरी करते हैं. बीबी नाव से आप क्वालिटी कुकिंग एसेंशियल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक स्टेपल्स, गॉमे प्रोडक्ट्स, स्नैकिंग एसेंशियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड मच मोर ऑर्डर कर सकते हो एट द लोएस्ट प्राइजेस एंड माई ग्रोसरीज गेट डिलीवर्ड इन टाइम एवरी टाइम जस्ट विद इन 15 to 30 मिनट्स. करिश्मा, इंग्रेडिएंट्स हमारे सारे फटाफट आ गए हैं. अभी कुकिंग शुरू करनी है एंड वी आर गोइंग टू कुक सम जलेबी एंड फाफड़ा टुडे. जस्ट बिकॉज़ आई एम अ गुजराती, यू थॉट ऑफ जलेबी फाफड़ा एंड सॉर्ट ऑफ, बट देयर इज अ ट्विस्ट. फाफड़ा बनाएंगे, फिर उसके ऊपर संभारियो डालेंगे, फिर जलेबी पर्ल्स बनाएंगे. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. बहुत मजा आने वाला है. मैं यहाँ खाना बनाऊंगा, आप यहाँ खाना बनाओगे. सिंपल. फिर एक छोटा सा ट्विस्ट है. क्या गाइस, ले आओ. व्हाट इज द ट्विस्ट? ओह नो, लिसन दिस. आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता. आपको मेरा हर एक इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनकर ये पूरी रेसिपी बनानी है. आर ईच कॉम्पोनेंट शुड बी राइट, योर डिश शुड टेस्ट परफेक्ट एंड बाई द एंड ऑफ दिस एपिसोड आर प्लेट शुड लुक द सेम. सिंपल. There are no winners or losers, so आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. We are just going to see if you can chef it up and if you can catch up with my speed. Done. फाफड़ा बनाने के लिए एक प्लेट है अपने पास, उसमें हमें बेसन ऐड करना है. पूरा बेसन डाल दो. एक छोटा सा बोल है ब्लैक कलर का, उसमें हमें हींग डालनी है. साथ ही में इधर बेकिंग सोडा है, वो भी डाल देना है. अब एक छोटी बॉटल में पानी है, वो पूरा पानी डाल दो. मिला दो. ओके. और ये पानी को अच्छे से मिक्स कर लो. अजवाइन है हाँ साइड पे? हाँ, वो बाद में डालनी है. हाँ. ध्यान है पूरा. फाफड़ा तो आज अच्छा ही बनने वाला है. अजवाइन को अपने हाथों में थोड़ा सा ऐसे क्रश करके बेसन में डाल देना है. थोड़ा सा नमक, लाइक अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन टू द बेसन एंड 2 tablespoons ऑफ ऑयल. पूरा भर के डालना है. ओके. तो जो बेसन है, हाँ, उसको अपने एक हाथ से अच्छे से आपको क्रम्बल करना है, मसलना है अपने हाथों से. तो करिश्मा, डू यू कुक यूजुअली? ओनली फॉर माय हस्बैंड. मेरे लिए आई थिंक खाना बनाना बहुत थेरेप्यूटिक है. मुझे मजा आता है लोगों को खाना खिलाकर उनके एक्सप्रेशंस देखना. सो आई लव कुकिंग फॉर पीपल एक्चुअली. नाइस, दैट इज व्हाट आई लाइक टू डू. मेरे को कभी कोई पूछता है ना कि जब भी टाइम मिलता तो क्या करते हो, क्योंकि शूटिंग में तो मैं पूरा टाइम खाना ही बनाता हूँ. हाँ. तो मैं फिर से खाना बनाता हूँ बिना कैमरास के, लोगों के लिए. सो दैट इज व्हाट आई लाइक टू डू, क्योंकि जब भी वो एक्सप्रेशंस देखने मिलते हैं ना, पूरा सारी थकान सारी सब कुछ निकल जाता है. आई स्वेयर. तो जस्ट उसको ना इसे अपने मुट्ठी में बंद करके देखो, थोड़े से पोर्शन को जुड़ रहा है आपस में. हाँ, जुड़ रहा है. हाँ, तो हमारा काम हो गया. ये में जो पानी हमने मिक्स कर रखा था, हाँ, वो पानी इसमें ऐड कर देना. पूरा कर दिया. तो अभी डो को मिक्स करो. पूरा जो डो है वो अच्छे से एक साथ आ जाना चाहिए. यू नो, एक्चुअली आपके थ्रू मैं सीख रही हूँ फाफड़ा कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने एक्चुअली इस डिश के बारे में कभी सोचा ही नहीं है. किसका अच्छा बन रहा है बताइए आप लोग, किसका अच्छा बन रहा है? वो सारे बोल रहे हैं आपका ज्यादा अच्छा बन रहा है. ये क्या हो रहा है? I'll have to chef it up. You put yourself in trouble. It's a Gujarati dish. पंगा ले लिया मैंने. मैंने आज बनवाने चाहिए थे आपसे राजमा चावल. थोड़ा सा डो का पोर्शन लो अपने हाथ में. डो बॉल बना के एक सिलेंडर बना लो, उसका सिलेंडर शेप. ओके. लाइक अ शीक कबाब. अभी उसको धीरे धीरे ना दोनों साइड से पुल करके देखो. आराम से पुल करो दोनों साइड से. वो एकदम अचानक से टूट नहीं जाना चाहिए, हल्का सा स्ट्रेच होना चाहिए. हाँ, स्ट्रेची है. हाँ, तो डन है. कवर कर दो, कपड़ा रख दो डो के ऊपर. इसको बस 5-7 मिनट के लिए हमें रेस्ट करना है. अभी शेपिंग वाला प्रोसेस है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट वी विल गेट थ्रू. ओके. ठीक है, तो थोड़ा सा डो हमें लेना है. एक पहले राउंडल में शेप करना है एकदम स्मूथ, और फिर उसको एक सिलेंडर में शेप कर देना है. छोटा सा सिलेंडर एकदम. नाउ प्लेस इट एट द राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर ऑफ द चॉपिंग बोर्ड. ओके. अभी अपने हील ऑफ द पाम को ऊपर रखो उसके. हाँ.
एंड यू विल अप्लाई प्रेशर और प्रेशर अप्लाई करके उसको आगे की तरफ उसको लेके जाना है like उसको a long thing. Yes. तो उस पे प्रेशर अप्लाई करते हो उसको खींचो आगे की तरफ अरे बाप रे स्लोली खींचो एकदम जोर से नहीं खींचना एक ही डायरेक्शन में उसको खींचो और वो ऐसे लग जाएगा वो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हुआ लगा बन गया फाफड़ा हाँ अभी इसको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है वो जो नाइफ है वो नाइफ को लेना है एंड फ्रॉम दी पार्ट अवे फ्रॉम यू मतलब आगे की तरफ से पीछे की तरफ वो नाइफ को लेके आना है और अभी उसको स्क्रेप ऑफ करना है एकदम आराम से तो फाफड़ा एक समान निकल जाएगा ऐसे बन गया फाफड़ा yeah! बना ठीक है अभी इसको साइड पे रख दो फिर से और एक फाफड़ा बनाएंगे दो तीन फाफड़ा हम प्लेट करेंगे ठीक है मुंबई में इफ यू वांट टू रेकमेंड वन थिंग यू लाइक टू ईट द मोस्ट और कहां जाके खानी व्हाट वुड बी द करिश्मा तन्ना रेकमेंडेशन रामेन श्याम सुना आपने हाँ राम और श्याम का पानी पूरी लव इट एवन का समोसा एट गुरु कृपा बैंड्रा बैंग ऑन लव इट सुख सागर की पाव भाजी जो चौपाटी पे है आई लव इट ये सारी मेरी एकदम फेवरेट चीजें बोली आपने हाँ ना? The kind of food I love. और पानी पूरी तो एकदम एब्सोल्यूट लव होती है पानी पूरी इज योर फेवरेट आई लव पानी पूरी कोई भी टाइम पे उठाओ मुझे दिन में और मुझे बोलो पानी पूरी खाना मैं खा लूंगी ये देखो फाफड़ा मास्टर करिश्मा इज अ न्यू फाफड़ा मास्टर इन टाउन कम ऑन माय मदर विल बी सो प्राउड ऑफ मी बिकॉज माय मदर लव्स फाफड़ा तो तीनों फाफड़े बन गए हमारे हाँ जी फाफड़े क्या होता है पंजाबी आ गया इसमें फाफड़े इसे फ्राई करना है हाँ जी बट हाँ. उसके पहले एक स्टेप बाकी है आपके काउंटर में नीचे एक प्लेट है क्लॉश लगा उसके ऊपर हाँ जी एकदम आराम से उसको उठा के ऊपर रखो आपके लिए एक सरप्राइज है क्या है उसके अंदर पानी पूरी सम होममेड पानी पूरी फॉर यू कैन आई हैव इट नाउ या यू कैन हैव इट मैं बनाऊं आपके लिए हाँ जी प्लीज मेक इट फॉर यू थैंक यू ट्राई इट गुड Love it. Thank you, Sandroth. You just made my episode. Eiffel Kitchen में हम सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं करिश्मा अभी फाफड़ा फ्राई कर लेते हैं ठीक है टेम्परेचर होना चाहिए अराउंड 160-65 के बीच में 100? 160 to 165 के बीच में होना चाहिए 160 है हाँ तो परफेक्ट है 62 है हाँ चलेगा अभी केयरफुली जो फाफड़ा है उसको उठाकर आपको तेल में डालना है तो तीनों फाफड़ों को तेल में डाल दो तो अभी उसको एक फाफड़े को उठाओ उसको पलटी कर दो दूसरे को उठाओ पलटी कर दो और तीसरे को उठाओ पलटी कर दो तो इसी तरीके से बस अभी इसको बहुत कम टाइम लगता है फ्राई होने के लिए I love it. और अभी चिमटे से ही फाफड़े को उठाना है ऊपर तो तेल निकल जाना चाहिए एंड उसको फिर छन्नी में प्लेस कर देना है सारे फाफड़े को फाफड़े रेडी हो गए फाफड़े रेडी फाफड़े तैयार हो गए हैं अभी हमें बनानी है जलेबी लेकिन जलेबी में ट्विस्ट है जो हम बना रहे हैं जलेबी पर्ल्स छोटे छोटे जैसे बूंदी होती है मोतीचूर लड्डू में वैसे पर्ल्स बनेंगे जलेबी के इंटरेस्टिंग यस मैदा है उसको बड़े बोल में ऐड कर दो साथ में बेसन को भी ऐड कर दो अभी थोड़ा सा बेकिंग सोडा है वो डाल दो दही ऐड कर दो ये मेरी मॉम सिखाती है ऐसे देखो दही को वेस्ट नहीं करते है और पानी भी सारा ऐड कर देना है एंड नाउ यू हैव टू विस्क इट नाइसली I can hear he's going faster. You have to chef it up, Karishma. Come on, let's chef it up with Sanjot. So you've got a smooth batter. हाँ जी बन गया. तो एक piping bag लेना है. Piping bag लेकर वो जो glass है, वो piping bag को glass में डालना है. उसको जैसे glass को अंदर से कपड़े पहना देते हैं, ऐसे ऊपर का जो rim है piping bag का वो चढ़ा दो rim के ऊपर. And you have to fill this batter into that piping bag. जिस पाइपिंग बैग आधा भर जाए हाँ. उतना ही बैटर आपको फिल करना है एक नॉट बांध देना है पाइपिंग बैग में कैसे नॉट बांधते हैं तो ऐसे ऊपर से गोल घुमाओ और जैसे बालों को बांधते हैं वैसे ही उसको बांधना है ये जो पाइपिंग बैग है ना उसका हाँ. जो टिप है हाँ. उसको हमको सीजर से कट करना है बट कितना कट करना है बहुत ध्यान से सुनो द टाइनिएस्ट होल पॉसिबल ठीक है एकदम पतला सा And you will check by squeezing some batter into the bowl. उसमें से एक पिचकारी निकलनी चाहिए निकली अभी करना ही है the most interesting part. जी. तेल में हमको पिचकारी मारनी है इस बैटर की थोड़ा सा पास लेके जाओ शेप क्या बनाना है कुछ शेप नहीं बनाना है I made it very easy for you. जैसे होली में पिचकारी मारते हैं ना वैसी पिचकारी मारनी है तेल में तो वो जो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं ना तेल हाँ. के अंदर
वो हमारे जलेबी के पर्ल्स बनेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग संजू, या दिख रहा है आपको ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स बन रहे हैं आपके? फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। दिखा। ठीक है चलेगा, अभी इसे फ्राई होने दो। हल्का सा जब कलर पकड़ लेना तो इनको आपको निकालना है वापस छन्नी से। बाबा, तो मेरे तो जल जाएंगे ऐसे ही। और फिर इन्हें निकाल कर तेल से वापस आपको डाल देना है चाशनी के अंदर। ठीक है, एक बार सोक हो गए उसको निकाल दो, साइड पे रख दो प्लेट के ऊपर। होल्स बन गए हैं। अब बना रहे हैं हम संभारियो, जो रॉ पपैया से बनता है। और जब भी मैं फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगाता हूँ ऑर्डर्ड फ्रॉम बीबी नाउ, दे आर पार्टनर्ड विद 30,000 प्लस फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री, और वो एकदम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सोर्स करते हैं और हमारे घर में 15 से 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। अरे वाह। जो पपैया है उसको हमको पहले हाफ कट कर लेना है। बी वेरी केयरफुल, द नाइफ इज वेरी शार्प। हाँ जी। नाउ यू हैव टू पील दिस पपाया। मैं जब भी पहले सोसाइटी में रहता था, हाँ, तो तभी जब भी नीचे खेलने जाता था ना, सारे घरों में से एक ही म्यूजिक प्ले होता था, विच इज बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज, विच वाज क्यू की सास भी कभी बहू थी, एंड आपने उससे डेब्यू किया था जी। एंड फ्रॉम देयर वी हैव सीन यू प्रैक्टिकली इन एवरी फेमस शो व्हिच हैज हैपेंड ऑन टेलीविजन। यस, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, झलक, सो मेनी रियलिटी शोज, एंड यू हैव लाइक कॉन्क्वर्ड इट ऑल, एंड नाउ यू हैव डन ओटीटी विद हंसल सर इन दैट शो व्हिच इज स्कूप। एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग दैट शो। ऑलमोस्ट सारे जितने भी रियलिटी शोज है टीवी पे मैंने सारे खत्म कर लिए। अभी आप क्या कर रहे हो? सॉरी, अभी ग्रेट करना ना उसको। हाँ हाँ, तो बातें बातें करते करते हम ग्रेटिंग भी करेंगे। हम कहाँ थे? आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए। तो मैंने फिल्म्स कोशिश की, थोड़ी चली थोड़ी नहीं चली, और फिर उसके बाद आया ओटीटी। एंड ओटीटी में ना मुझे थोड़ा सा इमेज चेंज करना था, वेयर पीपल नोटिस मी एज एन एक्टर, एंड दैट्स हाउ आई डिड स्कूप, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। वेरी वेरी हैप्पी। यू हैव टू बी हैप्पी एंड यू हैव टू बी रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ, because I have seen you act in that show and acting itni zabardast hai. So guys, if you haven't watched Scoop yet, please watch Scoop. Please watch it right now, and you have to see Karishma in this new avatar where she is acted mind blowingly. So congratulations. Aur aaj jalebi aur fafda ban jayega. Hum gas ko chalu kar denge. Just add a small 1 teaspoon to 1 tablespoon of oil. Very carefully kadi patta jo hai tel ke andar dalo, it will splutter. Be careful. Add little bit of mirchi. मुझे थोड़ा मिर्ची ज़्यादा पसंद है। हाँ तो ज़्यादा डालो। Add the raw papaya, थोड़ा सा शक्कर, add in a little bit of हल्दी। Little bit of हल्दी। और अभी सारी चीजों को आपको stir करना है। I think I'm very proud of myself. You should be. And we are done. Okay. It's time to plate. Okay. So you'll take one फाफड़ा। हाँ। ठीक है, and you have to break it into 3 pieces, okay? तो बाइट साइज पीसेस में इसको ब्रेक करेंगे। यू विल प्लेट दीज 3 पीसेस ऑन टू द प्लेट। थोड़ा सा संभालियो लो और ऊपर डाल दो उसके जो जलेबी के पर्ल्स हैं। यू विल टेक अ स्पून एंड यू विल स्कूप आउट। यस, थोड़ा सा एकदम छोटू सा स्पून भर का ऊपर आपको प्लेट करना है वो जलेबी पर्ल्स एकदम एस्थेटिकली। अभी ऊपर एडिबल फ्लावर्स है हमारे पास कुछ, जस्ट प्लेस इट ऑन टॉप। ठीक है, टू मेक इट लुक गुड। हो गया? हाँ जी। एंड दैट्स इट, द प्लेटिंग इज डन। Looks very beautiful. I can't believe it. वो तो मुझे देख के पता चलेगा अभी. So let's see if you were able to chef it up or not. Okay, I'm excited. 3, 2, 1. Woo! How is it? It's good. I like yours. हाँ, तो थोड़े तीन अलग-अलग थे. आपने तीनों को मिक्स कर दिया. मिला दिया है. I can see the fafda is perfect. You were a little worried about कि वो थोड़ा सा जल गया है. But बिल्कुल नहीं जला. एकदम सही लग रहा है. संभारियो, color is perfect. The pearls are also perfect. Plating में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, but it's fine. As far as it looks good. Like I wanted to keep it as one dish. Nice. Now it's time to taste. I taste what you have made, and you'll taste this. All the best. So let's switch. Wow. Genuinely बताओ मेरा कैसा था? बहुत अच्छा बना. Fafda is crispy. Sambhario perfectly seasoned. Jalebi pearls perfect. Taste amazing. Wow. You want to taste yours? Yes. Same. Not same. I would say 1800. 1920. Okay, 1920. I'm really proud of you. बहुत अच्छा बना है. And you have chefed it up. Thank you. You taught me something very different. Yeah, I love it. Yes. और अभी एक एक्साइटिंग चीज बाकी है जो हमारे व्यूअर्स के लिए, विच इज द गिव अवे। ओह यस। सो इट्स टाइम फॉर द बीबी नाउ गिव अवे कॉन्टेस्ट। इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में एक लकी व्यूअर को बीबी नाउ का 25,000 रुपए का एक वाउचर मिलने वाला है, और आप कुछ भी मंगा सकते हो बीबी नाउ से, और 15 से 30 मिनट में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। वाओ। इसमें पार्ट लेना बहुत आसान है। स्टेप 1 इज टू लाइक दिस वीडियो,
स्टेप टू, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि इस एपिसोड का आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और स्टेप थ्री, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक से बिग बास्केट ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोडिंग द बिग बास्केट ऐप एंड रजिस्टरिंग ऑन इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वही प्रोफाइल में आपका 25,000 का वाउचर क्रेडिट होगा इफ यू विन दिस गिव अवे। सारा प्रोसेस आपको स्क्रीन पे बता दिया है, डिटेल्स सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। डेडलाइन से पहले गिव अवे में पार्ट ले लो। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर एंट्रीज। करिश्मा, इट वॉज great fun having you in the YFL kitchen and doing this for you. Thank you so much. I had a great time too. Thank you so much. Like this video guys, share it with your friends. Get your groceries delivered within 50 to 30 minutes from BB Now by Big Basket. Download the Big Basket app and shop now. See you in the next one. Cheers. Cheers. I'm going to have what you've made. It's brilliant. Thank you. And I'm going to have yours. Yes.